हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू व्लॉग में। इसमें मैं दिखाऊंगा एक ऐसी मशीन जिससे कपास, मूंगफली, सींग, बहुत सारी फसलों को नीलगाय है, भूंड है, सुअर जिसे बोलते हैं, उसे बचाया जा सकता है। तो इस मशीन को बोलते हैं झटके वाली मशीन। डिस्प्ले पे आपके वो है झटके वाली मशीन। यह है बड़ी स्विच जिससे पावर ऑन होता है। ऐसे शुरू होती है, ये इंडिकेशन दिखा रहा है कि पावर शुरू है अभी, और ये आवाज करती है, और ये स्विच है एक्स्ट्रा पावर की। एक्स्ट्रा पावर, इसे बढ़ाने से झटका एक्स्ट्रा लगता है। देखिए दिखाता हूँ, ये पावर ऑफ ऑन, ये भी नॉर्मल पावर पर है, इसलिए नॉर्मल है, अभी बढ़ा तो इसे एक्स्ट्रा पावर पे, तो ये एक्स्ट्रा पावर पर हो गया। इसे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, वरना ऐसे ही ठीक है। ये बन, ये पावर भी बन। ये बाजू वाली स्विच है 12 आवर्स और 24 आवर्स, यानी कि 12 घंटे और 24 घंटे। इसे आप 24 घंटे लगाकर मैन्युअली ऑन ऑफ कर सकते हो, और इसे ऑन रख करके 12 घंटे भी चला सकते हो, यानी कि शाम के 6 बजे शुरू हो जाएगा इसे स्विच ऑन करने से, और सुबह के 6 बजे बंद हो जाएगी। ये इसकी खासियत है। और ये अलार्म, बाजू वाली स्विच है अलार्म, इसमें अलार्म आता है। देखिए, कोई चीज अगर तार से टच होगी, कोई जानवर, सुअर है, नीलगाय है, तो ये मशीन ऐसी आवाज देके आपको नोटिफिकेशन दे देगा। ये अलार्म की स्विच, ये भी शुरू है, तो इससे ये अगर किसी तार से कोई भी चीज टकराती है, कोई भी चीज टच होती है, तो ये ऐसे आवाज करता है, नोटिफिकेशन देता है कि किसान, उससे किसान को पता लग जाता है कि तार पे कुछ टच हुआ जानवर, ये ऐसी आवाज देता है। देखो, ये ऐसी आवाज देता है जिससे किसान को पता लग जाता है कि कोई जानवर, कोई चीज तार से टच हुई, तो अपनी खेत की निगरानी नहीं रखनी पड़ती, और ये अपने आप मैन्युअली काम करने लगता है। ये पावर की इंडिकेशन लाइट, ये है बैटरी लॉक की इंडिकेशन लाइट, ये है चार्जिंग की इंडिकेशन लाइट। ये अभी चार्जिंग हो रही है, ये आपको कैमरे में दिखा हुआ है, बहुत कम जल रही है, ये अभी चार्जिंग पर है। ये है झटके वाली मशीन, मेड इन इंडिया, जो कि भारत में बनती है, और ये बैटरी से भी चलती है। देखिए, ये भी तो बैटरी से ही चलती है, ये आप कोई भी बैटरी लगा सकते हो जिससे पूरी रात आपकी बैटरी चल सके। और ये दो पिन लगी होती है इसमें, ये है बैटरी की जो इसके साथ कनेक्ट है, और ये है सोलर की जिससे ये बैटरी चार्ज होती है दिन में। तो ये ऐसा है काम कुछ इसका, ये आपको दिखाई दे रही है, ये भी ऊपर है, ये सोलर जिससे बैटरी चार्ज होती है, ये है सोलर। देखिए, ये पूरी कतार में पूरी लाइन लगी है तार की, इस प्लास्टिक से ये कनेक्ट है, इस प्लास्टिक की वजह से इस पर करंट नहीं लगता, और ये बैटरी कम यूज होती है, लंबे समय तक चलती रहती है। ये पूरी लोहे की पाइप डली है यहाँ पर, और ये ऐसे प्लास्टिक का आता है जो कि आप गांव में, सिटी में से 1-2 रुपए में आप ले सकते हो, बेसिकली कहीं पर भी ये मिल जाएगा, गांव के गांव में, बड़े बड़े गांव में, सिटी में, ये सिर्फ अपने गांव के मार्केट के हिसाब रहता है, कहीं पे 2 रुपए का मिलता है, कभी पे 3 रुपए का मिलता है। इससे क्या होता है, करंट पास नहीं होता और बैटरी कम यूज होती है, जिससे कि हमारी बैटरी लंबे समय तक चलती है और पूरी रात चार्ज देती है मशीन को, जिससे मशीन चलती रहती है। तो ऐसी चीज लगाकर आप कम पावर यूज कर सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो
लकड़ी भी लगाते हैं, उससे क्या होता है बारिश या रात के समय सुबह में जो पानी गिरता है, झाकल बोलते हैं उसे गुजरात में, तो उससे करंट पास हो सकता है और बैटरी लो हो सकती है रात में भी, और आपकी फसलों को नील गाय है, सुअर है, वो बर्बाद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर झटके वाली तार लगी है और ये पौधे हैं तुअर के, इस पर अभी तुअर नहीं लगी, अभी इस पर फूल आएंगे, इसके बाद इस पर पूरी तुअर की सिंग लगेगी। ये नीलगाय सबसे ज्यादा खाती है और आवारा पशु जैसे कि गांव में घूम रहे सांड ये सब ज्यादा खाते हैं, तो इससे भाई इन तारों की वजह से बचाया जा सकता है और किसान अपनी फसल सुरक्षित रख सकता है। इस पूरे खेत में देखिए आप देख सकते हो मूंगफली लगी है, देखिए आप इस साइड तुअर लगी हुई है, तो इन दोनों की ये दोनों फसल को बचाया जा सकता है झटके वाली मशीन से, क्योंकि मूंगफली को सबसे ज्यादा सोर होते हैं, भूंड होते हैं, वो खाने आते हैं, और किसान की सारी मेहनत पूरी रात जागकर पानी जो इस पे देता है, दवाई छिड़कता है, इतनी महंगी खाद डालता है, तो ये सब मेहनत पानी में नहीं जाती। तो ये अभी कच्ची है, इसमें अभी फूल भी नहीं आए, फूल आने के बाद इसके मूंगफली लगेगी जमीन में, तो सुअर आ सकते हैं, नील गाय आ सकती है, आवारा पशु सांड गांव में घूम रहे वो भी आ सकते हैं, तो झटके वाली मशीन लगाकर आप अपनी फसल अपने पाक को सुरक्षित रख सकते हो। गुजरात में तो बहुत सक्सेस है ये मशीन, दूसरे राज्यों का पता नहीं, तो कम से कम 15 से 20 हजार रुपए में आप ये मशीन लगवा सकते हो, कहीं पे भी मिल जाएगी। इससे क्या होता है आजकल इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक तार लगाकर इंसान फसल को सुरक्षित करता है, लेकिन ये बहुत जोखिम वाला काम हो सकता है, क्योंकि चलो पशु तो टच कर कर मर गया, लेकिन इंसान की भी जान जा सकती है, पशु की भी जान जा सकती है, नीलगाय की भी जान जा सकती है। तो आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि झटके वाली मशीन लगाए और अपनी जान और दूसरों की जान भी बचाए, इससे किसी की भी जान नहीं जाती, सभी की जान सुरक्षित रहती है और अपना पाक अपनी फसल भी सुरक्षित रहती है। तो इलेक्ट्रिक शॉक ना रखे अपने खेतों में, और ये मशीन है बहुत महंगा नहीं आता, 15 से 20 हजार में आप पूरी जमीन कवर कर सकते हो, ये लोहे के रॉड लगाकर, लोहे के सरिया लगाकर जिसे पाइप बोलते हैं, और वो प्लास्टिक के लगाकर जिससे करंट पास नहीं होता लोहे की पाइप के साथ, और जो वायर थी वो भी आ जाएगी 20 हजार में, सब कुछ आ जाएगा, 3-4 हजार में मशीन और 3-4 हजार में सोलर और 3-4 हजार में बैटरी भी आपको मिल सकती है, आप कोई भी बैटरी लगा सकते हो उसमें, और 3-4 हजार के वायर है वो आप लगा सकते हो, जिससे अपनी जान बचाओ और पशु को भी सुरक्षित रखो, अपनी फसल को भी सुरक्षित रखो। ज्यादातर मैं अपनी वीडियो हिंदी भाषा में बनाता हूँ, क्योंकि गुजरात में जो लोग रहते हैं उनको हिंदी समझ में आती है, लेकिन जो दूसरे राज्यों में रहते हैं उनको हिंदी समझ गुजराती समझ नहीं आती, तो इसलिए मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी मेरे चैनल पर।